हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैं भूल गया था कि यज्ञ भक्ति का ही एक रूप होता है। मैं भूल गया था कि यज्ञ करना अर्थात ईश्वर की भक्ति करना है। मैं ये भी भूल गया था कि भगवान को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। मुझे अपने अहंकार में यह भी याद नहीं रहा कि भक्ति में समर्पण की भावना होती है। केशव, यज्ञ में काम, क्रोध, मत्सर, अहंकार आदि सभी विकारों की आहुति दी जाती है। इनका हवन किया जाता है, परंतु मैं अपने अहंकार के अधीन होकर अपने आप को ईश्वर समझ बैठा था, जबकि तुम मेरे सामने खड़े थे। केशव, ये मैं क्या देख रहा हूं ताश्री, जिनकी सेवा में दासियां और सेवक दिन रात लगे रहते थे, आज वो स्वयं सेवक की भांति काम कर रहे हैं। लाइए लाइए, घड़ा मुझे दीजिए। नहीं 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 पुत्र, जो स्वयं भगवान की सेवा में लग जाते हैं वो किसी से अपनी सेवा नहीं कराते, अपना काम स्वयं करते हैं। अश्वमेघ यज्ञ के बाद युधिष्ठिर को अपने दान धर्म पर अहंकार हो गया था। उसका अहंकार तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला रचकर एक नेवले का आवाहन किया। उस नेवले का आधा शरीर सोने का था। नेवले ने पांडवों को एक दरिद्र ब्राह्मण की कथा सुनाई। वो ब्राह्मण कई दिनों से सपरिवार भूखा था। उसने खेत से एक एक दाना चुनकर बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के लिए एक समय का भोजन तैयार किया। वो उस भोजन को खाने बैठा ही था कि एक भूखा अतिथि उसके द्वारे आया। कई दिनों से भूखे ब्राह्मण ने अपना और अपने परिवार का सारा भोजन उस अतिथि को खिलाकर उसे संतुष्ट किया। उस दरिद्र ब्राह्मण का दान कितना महान है ये सिद्ध करने स्वयं यमधर्म अतिथि के वेश में उसके पास आए थे। मैं वहीं पर चुपचाप छुपा सब कुछ देख रहा था। जैसे ही दिव्य विमान अदृश्य हुआ, मैं पतलों पर बचे हुए सत्तू के अंश को खाने बिल से बाहर निकला। बचा हुआ सत्तू खाते ही मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। तब से मैं उस ब्राह्मण जैसा दानवीर ढूंढ रहा हूं, परंतु मुझे आज तक नहीं मिला। आपका नाम तो बहुत है। जब मैंने आपका नाम सुना कि युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज मेरा शरीर पूर्णतः सोने का बन जाएगा। परंतु दुख की बात तो यह है कि आपको भी अहंकार है। आप भी अहंकार के मारे यज्ञ कर रहे हैं, आप दिखावा कर रहे हैं। यहां भी मैं अपने शरीर को पूरा सोने का नहीं बना सका, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपका ये महायज्ञ महान यज्ञ नहीं है। मैं तो यज्ञ का अर्थ ही भूल गया था। मैं भूल गया था कि यज्ञ भक्ति का ही एक रूप होता है। मैं भूल गया था कि यज्ञ करना अर्थात ईश्वर की भक्ति करना है। मैं ये भी भूल गया था कि भगवान को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। मुझे अपने अहंकार में यह भी याद नहीं रहा कि भक्ति में समर्पण की भावना होती है। केशव, यज्ञ में काम,
क्रोध, मत्सर, अहंकार आदि सभी विकारों की आहुति दी जाती है, इनका हवन किया जाता है, परंतु मैं अपने अहंकार के अधीन होकर अपने आप को ईश्वर समझ बैठा था, जबकि तुम मेरे सामने खड़े थे केशव। अब मेरी इस भयंकर भूल को एक नेवला ने आकर समझा दिया। मैं तो कुछ भी नहीं हूं और मेरा अहंकार झूठा है। धर्मराज, उस नेवले को भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए भेजा था। मैंने उससे विनती की थी तुम्हारे अहंकार को दूर करने की। अच्छा ही हुआ पितामह, जो आपने अपने पोते के बहकते ही उसके कान पकड़कर खींच लिए। अब मुझे होश आ गया है, परंतु पितामह, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि मुझसे इतनी बड़ी भयंकर भूल कैसे हो गई। हे केशव, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो केशव। बड़े भैया, अपनी भूल का तत्काल एहसास करना ही पश्चाताप का आरंभ है। अहंकार जैसे भयंकर शत्रु से आपको बचाना मेरा कर्तव्य था। हे कृष्णा, तुम्हारी कृपा दृष्टि हम पर सदा बनी रहे। वत्स युधिष्ठिर, अश्वमेघ यज्ञ संपन्न हुआ। अब तुम्हें भागीरथी के किनारे वन में तातश्री धृतराष्ट्र, माता गांधारी, माता कुंती और काका विदुर से भी आशीर्वाद लेना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। आइए आइए, पधारिए प्रभु, आइए। ये है हमारा आश्रम, आइए प्रभु, आइए। भगवान वेदव्यास जी, माता गांधारी और माता कुंती कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं? हाँ, हम उनके दर्शनों के लिए बहुत व्याकुल हैं। हाँ, हमारी व्याकुलता उन्हें देखकर ही शांत होगी। कदाचित उन्हें देखकर तुम सबके मन और भी अशांत हो जाएंगे। परंतु क्यों भगवान? वो देखो, राज्याभिषेक के कुंभ ढले हैं। ठोकर खाए वो छांव को तरसे, ठोकर खाए वो छांव को तरसे, जिनकी छांव अनेकों पले हैं। नियति के निर्णय कर्मों के लेख किसी से कभी टाले न टले हैं। नियति के निर्णय कर्मों के भोग किसी से कभी टाले न टले हैं। पतिव्रत धर्म निभाने को धृतराष्ट्र के संग आई गांधारी, कुंती
का त्याग महान के जिसने सेवा धर्म पे ममता वारी। महलों में तिनके न तोड़े जिन्होंने, महलों में तिनके न तोड़े जिन्होंने वो कुटिया बुहारे अचरज भारी। शोभ न मन में यूं रहे वन में जैसे अति साधारण नारी। शोभ न मन में यूं रहे वन में जैसे अति साधारण नारी। ताचरी कौन? प्रणाम ताचरी, हम पांडव। युधिष्ठिर सुखी भव, सुखी भव। प्रणाम ताचरी। कौन द्रौपदी? सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। ये मैं क्या देख रहा हूं ताश्री? जिनकी सेवा में दासियां और सेवक दिन रात लगे रहते थे, आज वो स्वयं सेवक की भांति काम कर रहे हैं। लाइए लाइए, घड़ा मुझे दीजिए। नहीं 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 पुत्र, जो स्वयं भगवान की सेवा में लग जाते हैं वो किसी से अपनी सेवा नहीं कराते हैं, अपना काम स्वयं करते हैं। प्रणाम भगवान, प्रणाम मधुसूदन। प्रणाम माता, प्रणाम माताश्री। दीदी, भगवान वेदव्यास मधुसूदन और पांडवों को लेकर आए हैं। अच्छा, क्या यही दृश्य देखने के लिए भ्राता श्री कर्ण ने हमें जीवन दान दिया था? माता श्री, आज आपको देखकर यह पता चला है कि अनाथ और सनाथ में क्या अंतर होता है। हे तात, हे माताओं, वो सभी पुण्यात्माएं हैं जिन्हें अपने माता पिता की छत्र छाया में रहने का सौभाग्य प्राप्त है। हम तो दुर्भाग्य ठहरे माता श्री, हम तो दुर्भाग्य ठहरे। अब हम हस्तिनापुर नहीं जाएंगे, यहीं रहकर आपकी सेवा करेंगे। मधुसूदन, तुम ही समझाओ इन्हें। ताजश्री के होते हुए मैं भला क्या समझाऊं? पुत्रो, हम सांसारिक मोह के चक्रव्यूह से छुटकारा पाने के लिए यहां आए हैं। शेष जीवन ईश्वर की सेवा में बिताना चाहते हैं और तुम सभी हमें फिर से माया मोह के चक्रव्यूह में फंसाना चाहते हो। नहीं ताजश्री। तो फिर यहां रहकर हमारी सेवा करने का विचार त्याग दो और हस्तिनापुर जाकर राजा का धर्म निभाओ और प्रजा की सेवा करो। जब आप सब लोग यहाँ कष्ट में रहेंगे, हस्तिनापुर तो क्या स्वर्ग में भी हमारा मन नहीं लगेगा। हमें यहाँ कोई कष्ट नहीं है पुत्र, हम यहाँ कुशल से हैं। यहाँ के इस पवित्र वातावरण में हमें अपनी खोई हुई मन शांति प्राप्त हुई है और तपस्या के प्रभाव से हमारे तन और मन का ताप भी दूर हो गया है। और तुम्हारे काका श्री विदुर तो महान तपस्वी बन गए हैं। काका श्री विदुर? हाँ पुत्र। परंतु काका श्री है कहाँ, दिखाई नहीं दे रहे? विदुर घोर तपस्या कर रहा है,
उसने अन्न और जल का भी त्याग किया है। वो अब केवल वायु भक्षण करके ही जी रहा है। केवल वायु भक्षण करके? हाँ वत्स, इसीलिए वो बहुत निर्बल हो गया है। वो अब वन में केवल एक ही स्थान पर अधिक समय तक नहीं रह सकता, सदा सर्वदा भ्रमण करता रहता है। मैं काकाश्री को ढूंढ निकालूंगा, मैं काकाश्री को अवश्य ढूंढ निकालूंगा, अवश्य ढूंढ निकालूंगा।